गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना पार्ट 16 वाटर अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, इसको ये क्या है, हमारा बहुत कीमती नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक ऊर्जा का सोर्स है ये हमारा। ठीक है, देखिए, लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ ड्यू टू इट्स नेचुरल रिसोर्स। प्लांट जो लाइफ है वो सिर्फ अर्थ पे इसलिए पॉसिबल है क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से, जो हमारे प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज हैं, सो उसकी वजह से ही क्या है, यहाँ पर ज़िंदगी पॉसिबल है। एनी कंपोनेंट ऑफ द अर्थ और इन्वायरमेंट डेट कैन बी यूटिलाइज बाई ह्यूमन बींग्स टू फुलफिल देयर नीड्स इज़ नोन एज नेचुरल रिसोर्स। कोई भी कंपोनेंट, कोई भी चीज़ धरती की या फिर हमारे पर्यावरण की, जो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जिनसे उनको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड अर्थ रिसोर्स एज दे आर ऑब्टेन फ्राम वेरियस पार्ट ऑफ द अर्थ, लैंड, वाटर एंड एटमोसफेयर। जो नेचुरल रिसोर्स है उसको हम अर्थ रिसोर्स भी बोलते हैं। दे आर ऑब्टेन, ये कहाँ से उत्पन्न किए जाते हैं, धरती के बहुत सारे पार्ट से, लैंड से, वाटर से और एटमोसफेयर से। एवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन नेचर, जो एवेलेबिलिटी है पानी की वो क्या है हमारे पर्यावरण में और हमारे प्रकृति में हमारा पानी, मतलब जो हमारे धरती पर का पानी है वो कितना उपलब्ध है। तो देखिए, व्हेन वी लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस, मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट अपीयर्स ब्लू। जब आप क्या करोगे, धरती के ऊपर से फ़ोटो लोगे स्पेस से, तो आपको क्या दिखेगा कि ज़्यादातर पार्ट क्या है, ब्लू है हमारी धरती का। डू यू नो वाई, आपको पता है ऐसा क्यों है? दिस इज़ बिकॉज अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 71% है हमारी धरती का जो 71% सरफेस है वो क्या है, किससे कवर है, पानी से। देयरफॉर आवर अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वाटरी प्लांट, इसलिए हमारे अर्थ को क्या किया कहा जाता है, वाटरी प्लांट कहा जाता, प्लानिट कहा जाता है। ठीक है, कि मतलब पानी से भरा हुआ प्लानिट है ये। ऑलमोस्ट 97.5% ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ सर्फेस इज प्रेजेंट इन द सीज एंड ओशियंस। दिस वाटर इज साल्टी, इट कैन नॉट बी कंज्यूम डायरेक्टली एंड देयरफॉर इज़ अनटिल अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ऑफ द रिमेनिंग 2.5% फ्रेश वाटर, अ मेजर पोर्शन अप्रॉक्स 1.7% इज फाउंड इन फ्रोजन फॉर्म एज आइस कैप्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स एंड इन ग्लेशियर्स। ओनली अप्रॉक्स 0.8% ऑफ टोटल वाटर ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर, अवेलेबल एज रिवर वाटर, लेक वाटर एंड ग्राउंड वाटर एंड कैन बी यूज बाई ह्यूमन बींग्स। सो वी कैन से डेट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज इज नेग्लेजिबल। तो देखिए, धरती पे जो 97.5% क्या है, पानी ही पानी है हमारी धरती पर, और 100% अगर पानी है तो 97.5 क्या है, सीज और ओशियंस में है, जो कि क्या है, समुद्रों में है और महासागरों में है, जिसकी वजह से क्या है, ये क्या है, एकदम सॉल्टी है, नमकीन है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली नहीं पी सकते, इसका यूज़ नहीं कर सकते। 2.5% क्या है, फ्रेश वाटर, जिसमें ज़्यादातर पोर्शन 1.7% पोर्शन कहाँ है, ये जो बर्फ़ है उनमें जमा हुआ है माउंटेंस पे और ग्लेशियर्स के रूप में, वो क्या है, हमारा फ्रेश वाटर है। और देखिए, और हमारे पास पीने के लिए कितना बच जाता है, 0.8%, सिर्फ इतना ही पानी धरती पर अवेलेबल है पीने के लिए, जो कि रिवर वाटर है, लेक वाटर है, ग्राउंड वाटर है। ठीक है, जो कि ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। और तो देखा जाए कि ह्यूमन बींग्स के पास नेग्लेजिबल 9 के बराबर पानी क्या है, फ्रेश वाटर अवेलेबल है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, यहाँ 2.5% वाटर का दिखा रखा है, रिवर, लेक्स, ग्राउंड वाटर 0.8%, और मोस्टली अमाउंट आइस कैप्स और ग्लेशियर्स ने ले रखा है फ्रेश वाटर का। चलिए, आगे हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर हिट करें।